खुदावंद के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको फिर से बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। औरत से औरत तक प्रोग्राम में मेरा नाम गीता जबरान है, आप देख रहे हैं औरत से औरत तक। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। और आज भी हम बहुत खूबसूरत टॉपिक के साथ, बहुत खूबसूरत गवाही के साथ, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि बहुत खूबसूरत गवाही है, ये आपको बहुत छुएगी, तो ज़रूर देखिएगा आज का ये प्रोग्राम, ज़रूर देखिएगा, इसको मिस ना करें। और अपनी बहनों को या अपने भाइयों को अगर आप चाहते हैं, अगर आपके दिल टूटे हैं, अगर आप मजबूर हैं, आज आपके कोई अपने खो गए हैं, तो आज का ये प्रोग्राम आपके लिए है। ये वही प्रोग्राम है जिसके थ्रू आज खुदावंद आपसे कलाम करना चाह रहा है, खुदावंद आपसे बात करना चाह रहा है। अगर आपने अपने अजीज़ों को खो दिया है या आप खुदा से कोई सवाल कर रहे हैं, आपको जवाब चाहिए खुदावंद से कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो आज का ये प्रोग्राम आपके लिए है। ज़रूर देखिएगा आज का ये प्रोग्राम, हमारे साथ रहेगा। खुदावंद की बंदी जो है कैरोलिना है, वो यूरोप से उनका ताल्लुक है, आज फिर से हमारे साथ हैं और खुदावंद उनको भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। खुदावंद अपने प्यार से, मोहब्बत से उनको भरा है और हमारा ईमान है कि आज आप इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत पाएंगे। जो उनकी गवाही है वो आज आप हम सब के साथ शेयर करेंगी। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, हमारे साथ रहिएगा, कहीं ना जाइएगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में गवाही है, आप गवाही देना चाहते हैं, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो ज़रूर हमारे नंबर्स नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, आप उन पे नंबर्स पे हमें अपनी गवाही को, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को, अपनी दरख्वास्त को दुआया सेंड कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आपके लिए दुआ करके। इसके अलावा पेज भी हमारा लाइक कर सकते हैं जो कि औरत से औरत तक का है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, हमारे साथ रहिएगा, कहीं ना जाइएगा। आप सबको फिर से बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। एंड अगेन टुडे वी आर सो हैप्पी टू हैव माय वंडरफुल मदर, सिस्टर एंड फ्रेंड, शी इज़ अमेजिंग एंड वी आर गेटिंग ब्लेस। Carolina, whenever you are here, we are getting blessed by your messages. God is using you mightily to change the lives of people. And today also, I believe that people are going to change. Women, they will get blessing from your testimony. Today, she is going to share with us the testimony, amazing testimony. So please share with us. थैंक यू, धन्यवाद। ये मसीह की, मेरा नाम कैरोलिन है, यीशु तुमसे प्यार करता है, प्रभु अच्छा है, एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर विद यू। मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ आज आकर। इट्स वंडरफुल, द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू आई फेल्ट वी वर सिस्टर्स। पहली दफा जब मैंने आपको देखा, मुझे महसूस हुआ हम बहनें हैं। एंड वी आर सो क्लोज फ्रेंड्स, और हम बहुत ही करीबी दोस्त हैं। एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर विद यू, और मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ यहाँ पर आ जाकर। Every person's life is like a book. और हर किसी की जिंदगी जो है वो एक किताब की मानिंद है। Our lives is like a book full of chapters. और हमारी जो किताब है वो भरी हुई है बाप के साथ। And maybe some chapters are dark. हो सकता है कुछ अब बाप हैं जो वो तारीकी में हैं। But some of them are full of sunshine. लेकिन कुछ जो हैं पूरे सूरज की रोशनी से भरे हैं। Today I would like to share a chapter from my life. और आज मैं आपके साथ एक अपना जिंदगी का बाब जो है बांटना चाहती हूं। It is a really dark chapter. और ये बहुत ही तारीक एक बाब है। But after that came a chapter full of light and life. लेकिन इस बाब के बाद बहुत ही रोशनी आ गई मेरी जिंदगी में। Because God is a good God. क्योंकि खुदावंद भला है। And God wants to encourage you today. खुदावंद आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता है। I was born in a Christian family. मैं एक मसीही खानदान में पैदा हुई। I was the oldest of two other siblings. मैं जो हूँ सबसे बड़ी बहन हूँ और मेरे दो छोटे बहन भाई हैं। My father is a businessman. मेरे जो वालिद हैं वो एक कारोबारी शख्स हैं। And my mother is a teacher. और मेरी माँ जो है वो उस्ताद हैं। When I grew up, we had everything we could ask for. और मैं जब बड़ी हुई, मैं सब कुछ मांग सकती थी जो मेरी ख्वाहिश थी। We had a nice home. हमारा अच्छा घर था। And we were blessed in so many ways. और हमें बहुत सारे दूसरे तरीकों से खुदा ने बरकत दी थी। The
hero of my life was my father and he still is. और मेरे जो वारिस है मेरे बाप हैं और वो अभी भी जिंदा है. Because he is such a wonderful father. क्योंकि वो बहुत ही एक शानदार वालिद हैं. Very often he used to take up his Bible. और बहुत अक्सर ऐसा होता है कि वो अपने कलाम को उठाते हैं. And he was gathering the whole family. और वो सारे खानदान को इकट्ठा करते हैं. And he was sharing the word of God with us. और वो हमारे साथ कलाम को बांटते थे. I could see in him the love of God. मैं देख सकती थी उनमें खुदा के प्यार को. Also in the way how he treated my mother. और इसी तरह वो रवैया भी जो वो मेरी माँ के साथ अख्तियार करते थे. Because my mother was and she is his greatest treasure. और मेरी जो माँ है वो उनका सबसे बड़ा खजाना थी. That is the most beautiful gift we can give to our children. और ये सबसे बड़ा अच्छा तोहफा है जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं. The love of a father. और एक बाप का प्यार. For his children. अपने बच्चों के लिए. But also for his wife. और बीवी के लिए भी. That is biblical truth. और यही जो है वो कलाम का सच्चाई है कलाम की. And I saw the marriage of my parents. और मैंने अपने वालदैन की शादी को देखा. And I saw God in them. और मैंने उनकी इज़दवाजी ज़िंदगी में खुदा को पाया. So when I was only 18 years old. और जब मैं 18 साल की थी. I married my husband. मैंने मेरी शादी हुई मेरे हावन के साथ. A wonderful young man. He was only 19. और वो सिर्फ 19 साल के थे तब. And very soon we were blessed with 4 children. और जल्द ही खुदा ने हमें बरकत दी 4 बच्चों के साथ. First one daughter Sophia. और पहली जो बेटी थी हमारी वो उसका नाम सोफिया था. Sophia means wisdom. और सोफिया का जो मतलब है हिकमत है. And then daughter Lynn. और फिर उसके बाद छोटी बेटी थी लिन. It means a flow of goodness. और ये जो है सच्चाई का भलाव है. And then a third girl, her name is Joy. और जो तीसरी बेटी थी उसका नाम था खुशी जॉय. And then the Rajkumar. और फिर जो है वो राजकुमार है. A son and his name is Michael. और एक बेटा है और उसका नाम माइकल है. And that means who is like God. और उसका ये मतलब है कि खुदा की मानित. It's so important that we always think about what kind of name we give to our children. और ये बहुत खास बात है कि हम अपने बच्चों को क्या नाम देते हैं. That we give something positive. और हम अपने बच्चों को कुछ मनफी की बजाय कुछ मस्बत देते that हैं. The name will be a blessing for them. और वो बरकत मिले ताकि उस नाम से उनको. So every time I called upon my children, I blessed them. और हर वक्त हर तरह जब भी मैं अपने बच्चों को बुलाती थी मैं उनको बरकत के अल्फाज से बुलाती थी. And I loved all of them in the same way. और मैं उनको सबको प्यार करती थी. We should never have one favorite. और हमें कभी भी एक को किसी को ज्यादा प्यार Every नहीं करना चाहिए. Every child is special to God. और हर बच्चा जो है वो खुदा के नजदीक स्पेशल है खास है. But my second daughter, Lynn, लेकिन जो मेरी दूसरी बेटी थी लिन. Which means a flow of goodness. और जिसका मतलब है सच्चाई का बहलाव. It was like my proclamation over her. और ये मेरा खुदा के थ्रू कलाम था उसके लिए. Lynn, a flow of goodness. कि जो लिन है वो सच्चाई का बहाव है. That was also her personality. और ये उसकी शख्सियत भी थी. She always loved other people. और उसने हमेशा दूसरे लोगों को प्यार She किया. She always shared something extra with others. और उसने हमेशा दूसरों के साथ कुछ ज्यादा बांटा. She could even when she was small go home to the neighbors and pray for them if they were sick. और ताकि वो जब छोटी भी थी तो भी वो अपने पड़ोसियों के घर जाती थी और उनके लिए दुआ करती थी. She always wanted to share the love of God with others. और वो हमेशा खुदा के प्यार को दूसरों के साथ बांटना चाहती थी. I was so proud of my little daughter. और मुझे अपनी बेटी पर बहुत फखर था. Of course, together with all the other children. और हाँ जाहिर है कि बाकी बच्चे भी बराबर थे. But when she was 8 years old, जब वो 8 साल की थी, she had a sickness in her brain. और उसके दिमाग में कुछ बीमारी आ गई. She had a very difficult disease. उसके बहुत ही उसको मुश्किल बीमारी थी वो. And even if she was as natural as you and me. और ताकि वो बहुत कुदरती थी जैसे कि मैं और आप. Sometimes these things in her brain were attacking her. और कुछ दफा ऐसा होता था कि उसके ज़हन में कुछ चीजें थी और वो उस पे हमला करती थी. In a very difficult way. और बहुत ही उसके लिए मुश्किल था ये. But she always prayed to God. लेकिन वो हमेशा खुदा से दुआ करती थी. She always loved Jesus. वो हमेशा खुदा को प्यार करती थी. And she didn't want to talk about that sickness. और वो उस बीमारी के बारे में बात नहीं करना चाहती थी. Of course, me and my husband we prayed. और जाहिर है कि मैंने और मेरे शौहर ने मिलकर हमने दुआ की. We cried and we prayed. हम रोए और हम चिल्लाए दुआ की. But for one or another reason, we didn't see the miracle we were longing for. लेकिन हम उस मौजे को नहीं पा पाए. Sometimes we come to dark chapters in our lives. और जिंदगी में ऐसा होता है कि कभी हमारी जिंदगी में तारीकी के अबाब भी आते हैं.
My children grew up. और मेरे बच्चे जो हैं वो बढ़ते गए. And so did Lynn. और इसी तरह लिन भी प्रवेश पाती गई. And one day she met a wonderful man. और इसी तरह एक दिन वो बहुत ही एक अच्छे लड़के को मिली. He came from a broken family. और वो जो है एक टूटी हुई खानदान से आया था. He was very wounded in his heart. वो बहुत जख्मी था अपने दिल में. But through the love of Jesus. लेकिन खुदा के प्यार के जरिए से. That came from Lynn and our family. जो के आया था हम लोगों के थ्रू हमारे खानदान से. God saved his heart. खुदावंद ने उसके दिल को बचा लिया. And God started to heal him and restore him. खुदा ने उसको शिफा देने शुरू की और उसको बहाल करना शुरू किया. His name is David. उसका नाम जो है वो डेविड है. Lynn was so happy on her wedding day. और लिन जो है वो बहुत खुश थी अपनी शादी के दिन. She was so beautiful. और बहुत खूबसूरत थी. She had been dreaming of that day since she was a small child. और वो ख्वाब देखती रही उस दिन का उस अपने बचपन से ही. But no one could imagine what was going to happen. लेकिन कोई किसी को पता नहीं था कि क्या होने को About 2 years after her marriage, और दो ही साल के बाद, she felt very weak in her body. शादी के दो साल बाद उसको बहुत कमजोरी महसूस हुई जिस्म में. Because of the small sickness she had in her brain. और उसी बीमारी की वजह से जो कि उसके ज़हन में थी, दिमाग में थी. We could never imagine that we could face death in her early age. और हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें उसकी मौत का सामना करना पड़ेगा इस इब्तदाई उम्र में. But one day when I was standing preaching like this. लेकिन एक दिन ऐसे ही जब मैं खड़ी थी और खुदा का कलाम सुना रही थी. Someone was knocking at the door. किसी ने दरवाजे को खटखटाया. I was preaching to hundreds of women. और मैं बहुत सारी औरतों के साथ मुखातिब थी. But all of a sudden my son came running. और उसी वक्त मेरा बेटा जो है वो आया दरवाजे पर. And he was screaming. और वो रो रहा था. Mommy, mommy. वो चिल्ला रहा था Lynn मामा. Lynn is on the floor and she's not breathing. और लिन जो है वो गिरी हुई है फर्श पर और वो सांस नहीं ले रही. It was a nightmare. वो एक बहुत ही डरावना ख्वाब था. I left my shoes where I was standing. और मैंने अपने जूते जो है वहां पे ही रख दिए. I started to run as fast as I could. मैं भाग सकी जितना मैं भाग सकती थी. I ran to the house where she lived. और मैं भागी उस घर तक जहां वो रहती थी. But when I entered the house. लेकिन जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई. I saw the body of my daughter on the floor. मैंने देखा मेरी बेटी उस फर्श पर पड़ी है. But she was not there. लेकिन वो वहां पर नहीं थी. Her spirit had left and she had gone to heaven. उसका जो रूह है वो उसको छोड़ चुकी थी, वो आसमान पे जा चुकी थी. As you can imagine. और जैसे कि आप सोच सकते हैं. If you are a mother. अगर आप माँ हैं. If you are a father. अगर आप वालिद हैं. If you are a sister. अगर आप बहन हैं. This is the most tragic thing we can face on this earth. और ये सबसे डरावनी वो हालत है जो हम इस जमीन पर देखते हैं. To lose someone we love so much. कि उसको आप खो दें जिसको आप बहुत प्यार करते हैं. And we can have so many questions. और हमारे हो सकता है बहुत सारे सवाल. We can have so many doubts. और हमारे हो सकता है बहुत सारे शक हों. God, why? और खुदावंद क्यों? Why if you are a good God? और खुदावंद क्यों अगर तू भला है? How could this happen? कैसे हो सकता है? But I didn't ask that question. लेकिन मैंने खुदा से ये सवाल नहीं किया. Not for one moment. एक दफा भी मैंने सवाल नहीं पूछा. God is my witness. खुदा जो है मेरा गवाह है. Because I know my God. क्योंकि मैं अपने खुदा को जानती हूँ. I know my Jesus. मैं अपने यीशु को जानती हूँ. यीशु is very good. यीशु बहुत अच्छा है. Jesus loves you. खुदा यीशु आपसे प्यार करता है. He loves me. यीशु मुझे प्यार करता है. He loves your family. वो आपके खानदान को प्यार करता है. He loves your children. आपके बच्चों को. He will never take away anything from us that we love. और वो कोई भी चीज आपसे नहीं छीनेगा जिसको हम प्यार करते But हैं। In John chapter 10 we can read लेकिन यूहन्ना उसके दसवें बाब में हम पढ़ सकते that हैं। That the thief will come to steal and kill and destroy। कि चोर आएगा वो चुराए और हलाक करे। The thief is the devil। वो जो चोर है वो शैतान है। It comes from the powers of darkness। और वो आता है तारीकी में से। I know that this was an attack from my enemy। और मैं जानती हूँ कि ये दुश्मन की तरफ से, मुखालिफ की तरफ से मेरे साथ हमला था। And sometimes we will have chapters in our lives। और हो सकता है हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे अबाब होते हैं। That maybe are filled with tears। जो हो सकता है आंसुओं के साथ भरे हों। With questions। वो सवालों से भरे हों। With attacks। वो हमलों के साथ भरे हों।
Sometimes we feel like we are drowning. हो सकता है कई दफा हम महसूस करते हैं कि हम डूब रहे हैं. But God will not allow us to drown. लेकिन खुदा हमें कभी डूबने ना देगा. God loves us so much. खुदा हमें बहुत प्यार करता है. That night. उसी रात. I went to my bed. मैं अपने बिस्तर पर गई. All my family was in a trauma. और सारी सारा खानदान हमारा उस ड्रामे में शामिल था. The siblings to Lynn. और जो सारे रिश्तेदार थे वो Lynn के. The husband to Lynn. और हस्बैंड जो था उसका शोहर था. They had been crying so much. वो सारे रो रहे थे. We were all in a shock. और हम सारे उस हैरान कुन हालत में थे. And I said, God. और मैंने कहा खुदा. You are my father. कि तू मेरा बाप है. I know you love me. अब मैं जानती हूँ तू मुझे प्यार करता है. I am your daughter. मैं तेरी बेटी हूँ. Father, please, I pray. ऐ खुदा मैं दुआ करती हूँ. Give me understanding. मुझे ऐ खुदा तू समझ दे. Give me understanding. मुझे समझ दे. Why did this happen to me? क्यों ऐसे मेरे साथ हुआ? Why did my special, precious daughter need to go? क्यों मेरी ये कीमती बेटी तूने उठा ली? You had a plan for her life. और तूने तेरा मकसद था उसकी ज़िंदगी में. And in the middle of the night. और उसी रात. I opened my Bible. मैंने अपने कलाम को खोला. I just went into my small kitchen in the night. और उसी रात जो है मैं अपने बावर्ची खाने में गई. I just opened the Bible. मैंने कलाम को खोला. And my eyes fell on Isaiah chapter 43. और मेरी जो आंखें हैं वो गईं यशायाह चैप्टर जो है उसका 43 है. And I read these words. और मैंने ये अल्फाज कहे. But now this is what the Lord your Creator says. और इसी तरह खुदा जो है वो तख्लीक का बनाने वाला है वो कहता है. O Jacob and he who formed you, O Israel. ऐ याकूब जिसने खुदावंद ने जिसको तुझे पैदा किया. Do not fear, for I have redeemed you from captivity. खौफ ना कर क्योंकि मैंने तेरा फदिया दिया है. मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है. I have called you by name, you are mine. मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है तू मेरा है. When you pass through the waters. जब तू सैलाब में गुजरा. I will be with you. मैं तेरे साथ हूंगा. And through the rivers they will not overwhelm you. और जब तू नदियों को अबूर करेगा. When you walk through fire, you will not be scorched. जब तू आग पर चलेगा तुझे आंच ना लगेगी. Nor will the flame burn you. और शोला तुझे ना जलाएगा. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. क्योंकि मैं खुदावंद तेरा इसराइल का कदूस तेरा निजात देने वाला हूँ. I have given Egypt to the Babylonians as your ransom. मैंने तेरे फिदिया में मिस्र को और तेरे बदे कुश को और सिबा को दिया. कुश एंड सिबा इन एक्सचेंज फॉर यू. तेरे बदले कुश और सिबा को दिया. बिकॉज यू आर प्रेशियस इन माय साइट. क्योंकि तू मेरी निगाह में बेशकीमत है. यू आर ऑनर्ड एंड आई लव यू. और तू बेशकीमत है और मैं तुझे बहुत मोहब्बत करता हूँ. आई विल गिव अदर मेन इन रिटर्न फॉर यू एंड अदर पीपल्स इन एक्सचेंज फॉर योर लाइफ. इसीलिए मैं तेरे बदले लोग और तेरी जान के एवज में उम्मतें दूंगा. डू नॉट फियर फॉर आई एम विद यू. तू खौफ ना कर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ. I will bring your offspring from the east where they are scattered. मैं तेरी नस्ल को मशरिक से ले आऊंगा. And gather you from the west. और मगरिब से तुझे फराहम करूंगा. I will say to the north. मैं शुमाल से कहूंगा. Give them up. के दे डाल. And then he talks about how he will bring his sons and daughters. और इसी तरह वो बयान करता है कि वो कैसे अपने बेटों को और बेटियों को लेकर आता है. To my heart. मेरे दिल के करीब. In that moment I understood. और इसी तरह उस वक्त मैं समझी. That this was a word of comfort from my God. और ये तसल्ली के अल्फाज थे खुदावंद की तरफ से. He said, when you pass through the waters. और खुदावंद ने कहा कि जब तू सैलाब को में से गुजरेगी. You will not drown. और तू डूबेगी नहीं. When you pass through the flames. खुदावंद ने कहा जब तू आग में से गुजरेगी. You will not be burned. और तुझे आग ना लगेगी जलेगी ना. In that moment this word came to my heart. और इसी वक्त वो कलाम है मेरे दिल में And आया. God comforted me. और खुदावंद ने मुझे तसल्ली दी. God embraced me. खुदावंद ने मुझे तसल्ली दी. And he said, because Lynn are so precious in my sight. और जो लिन थी मेरी बेटी थी वो बहुत बेशकीमत थी मेरी आंखों में. We know in this scripture he talks about Jesus, his own son. और खुदावंद का कलाम है मैं बताता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है. Jesus was so precious in his sight. कि यीशु मसीह जो है उसकी नजरों में बहुत बेशकीमत था. That is why he gave Jesus. इसीलिए खुदा ने अपने बेटे को
to die on the cross for us. कि हमारी खातिर कुर्बान हो जाए. So God could be able to have sons and daughters from all over the world. ताकि खुदा जो है वो उसके सारे बेटे बेटियां हो जाएं पूरी दुनिया में से. God said to me, "This is what you will experience, Carolina, in your life." खुदा ने कहा कि ये ही वो चीज है, कैरोलिना, जो तू तजर्बा हासिल करेगी जिसका. This program is not so long. और ये प्रोग्राम जो है वो लंबा नहीं है. I don't have time to tell you. मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आपको बताऊं. All the miracles God did in my life. खुदावन ने जो मौजे मेरी जिंदगी में किए. When my daughter went to be with the Lord in heaven. और जब मेरी बेटी खुदा के पास चले गई. There came so many miracles. बहुत सारे मौजे हुए. God comforted me and my husband and the siblings in such a wonderful way. खुदा ने मेरे और मेरे हस्बैंड की जिंदगी में, शोहर की जिंदगी में बहुत मौजे किए. It was not his will for to die. और ये खुदा की मर्जी नहीं थी कि वो मर जाए. God always want to heal and restore. खुदा हमेशा हमें शिफा देना चाहता है, बहाल करना चाहता है. Nothing is impossible for him. यीशु के पास कोई भी उसके पास मुमकिन नहीं है. If you are sick or someone else in your family are sick, he wants to heal them. अगर आपके खानदान में कोई बीमार है, वो उसको शिफा देना चाहता है. But sometimes when we go through the high waters. लेकिन कई दफा ऐसा होता है, हम सैलाब तक जाते हैं. We feel so alone. और हम बहुत ही अकेला महसूस करते हैं. But God will support us. लेकिन खुदा हमें उसको हमारी सपोर्ट करेगा. And comfort us. और हमें तसल्ली देगा. So today, in the name of my daughter. और इसीलिए आज मैं अपनी बेटी के नाम से. We have been able by the grace of God to do her dream. और हम अपने उस बेटी की ख्वाब को पूरा कर सके. She had a dream that she wanted to see poor children become rich in Christ. खुदावंत की फजल से उसका ये ख्वाब था कि वो छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को देख सके बड़े हुए. So today in her name, और आज हम उसी के नाम से, we help almost 2,000 children, और आज हम 2,000 से ज्यादा बच्चों की मदद कर रहे हैं, to come to school in Asia, ताकि वो एशिया में स्कूलों में जा सके. Her husband, और उसका जो शोहर है, is serving God with a wonderful wife in a mighty way, और उसका जो शोहर है, उसकी शादी हुई, उसकी बीवी खिदमत कर रही है भरपूर तरीके से. And also we have seen in our church here in Sweden. और अभी भी हम देख सकते हैं इस स्वीडन मुल्क में, चर्च में. So many sons and daughters have come to our church. बहुत सारे बेटे खुदा के और बेटियां जो है चर्च में आ रहे हैं. From north, from south, from east and to west. मशरिक से, मगरिब से, शुमाल से, जनूब से. And it's so special with all these hundreds of young people that have come. और बहुत ही ये खास अहमियत रखता है हमारे लिए कि जो लोग आ रहे हैं. They call me their mother. और वो मुझे माँ कहते हैं. They embrace me. और वो मुझे तसल्ली देते हैं. And I have been so comforted. और मुझे बहुत प्यार मिलता है. God is so good. खुदा भला है. Life is not always easy. खुदा जिंदगी जो है हमेशा आसान नहीं है. God is always good. लेकिन खुदा हमेशा भला है. And today He is there with you. और आज वो आपके साथ है. To comfort you. आपके साथ है. To embrace you. आपको प्यार करे. He loves you so much. आपको बहुत प्यार करता है. Just put your arms around you. और इसी तरह अपने इर्द गिर्द आप अपने बाजुओं को लें. And say thank you Jesus. और कहे खुदा बाप तेरा शुक्र हो. For loving me. तेरा शुक्र हो तो मुझे प्यार करता है. From this moment. इसी लम्हा से. I give you all the burdens. और मैं तुझे सारे अपने बोझ देता हूँ. That I have on my heart. जो मेरे दिल में थे. Thank you Lord. खुदावन तेरा शुक्र हो. That you are a God of miracles. कि तू मौजजात का खुदा है. I trust you. मैं तुझे तसल्ली देता हूँ. I believe you. मैं तुझ पर ईमान रखता हूँ. I rest in you. ओ खुदावन मैं तुझ में तसल्ली पाता हूँ. With all of my heart. मैं अपने सारे दिल से. In Jesus name. यीशु नाम से ये मांगता हूँ. God bless you so much. खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे. You are not alone. आप अकेले नहीं हैं. He is with you. खुदावन आपके साथ है. Amen. Amen. मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए आप हमारे फेसबुक पेज वुमेन टू वुमेन को लाइक कर सकते हैं. अपनी दुआया दरख्वास्त और गवाही देने के लिए राब्ता करें हमारे ईमेल www@canaltonasia.com और फ़ोन नंबर 0046705819455.
Hallelujah. This is amazing, Carolina. I'm so glad. I'm so blessed that you are here. Thank you so much for giving your time and coming here. And we got really blessed. Our team got really blessed. And I know behind the camera, their eyes are full of tears. Thank you so much for sharing your testimony. It's so strong. Thank you. God bless you. God bless you. Just one question I want to ask. What is the secret that you are so filled with love? Just tell our viewers. Because Jesus is love. Amen. And I cannot live one day without Him and His presence. I will just translate you. Yeah. खुदावन जो है वो प्यार है. I cannot live one day without His presence. मैं खुदावन की हुजूरी के बगैर नहीं रह सकती एक भी दिन. So every day I have to close my door. और इसीलिए हर रोज मुझे अपना दरवाजा बंद करने की जरूरत है. And spend time with Him alone. और खुदा के साथ वक्त गुजारने की जरूरत है. And He is love. और खुदा मोहब्बत है. And He is wonderful. और वो बहुत शानदार है. God bless you. Amen. Thank you so Amen. Much. That was the secret. Now we got that it. That is the secret, yes. Along with Him. Yes, along with him. Yeah. Thank you so much. खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे. अगर आज के इस कलाम के वसीले से आपने बरकत पाई है, आपकी ज़िंदगी में गवाही है, ज़रूर हमें बताएं. हमारे नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. अपने अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि आपने आज के इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत पाई. मैंने बहुत बरकत पाई. खुदावंद आपके साथ हो. और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे औरत से औरत तक प्रोग्राम में. गॉड ब्लेस यू.